हेलो। सो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी पैथोजेंस एंड द कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो हाउ इन्फेक्शियस एजेंट्स कॉजेज द डिजीजेस इन द ह्यूमन बींग्स। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो विदाउट इंटरप्टिंग। सो लेट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। सो हैज दिस एवर हैपन टू यू और स्टूडेंट नेक्स्ट टू यू इन द क्लास हैविंग द कफिंग एंड स्नीजिंग ऑल डे। कोई आप क्लास में आपके साथ में बैठा हुआ है और उसे अचानक से बहुत ज्यादा स्नीजिंग और कफिंग हो रही है और यू ऑल्सो स्टार्टेड टू फील द सेम प्रॉब्लम जबकि आप एकदम ठीक थे। आपको भी वही परेशानी दोबारा से होना शुरू हो जाती है एक या दो दिन के भीतर। सो डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। नाउ द कॉमन कोल्ड्स आर कॉज्ड बाय अ वायरस दैट ट्रिगर्स द इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग्स ऑफ द नोज एंड द थ्रोट। सो द डिजीजेस लाइक द कॉमन कोल्ड एंड द कंटेजियस दैट कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। So this is a basic introduction of the infectious diseases. That means it can become easily spread from one person to another person with the help of the droplets, with the help of the touching the same surface. So what are the some other examples of communicable disease and how do they spread? So the disease which are easily spread in the similar people, that is known or termed as the communicable disease. Now today you will identify the key structures and the functions of viruses, bacteria, protists, and the fungi, and explain how virus, bacteria, protists, and the fungi spread diseases in the human and the plant. Now, the next example of the communicable disease in the humans are and the plants. So, ये तीन चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं pathogens को। So, ये क्या होते हैं? These are the microorganisms that causes the disease. ठीक है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। और ऐसी कोई भी बीमारी जो पैथोजन की वजह से हो रही है वो हमेशा क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो कि इजीली स्प्रेड होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। सो दे आर द फोर मेन टाइप ऑफ पैथोजेंस। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड फंजाई, थर्ड इज वायरस एंड द फोर्थ इज अ प्रोटिस्ट। सो दीज आर द फोर मेन पैथोजेंस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेबल डिजीजेस and which get spread from one person to another person. How do pathogens spread? The direct contamination, right? इसका मतलब directly touch करने से या फिर indirect contact से भी फैलता है या फिर किसी vector के through फैलता है। Examples के लिए देख लेते हैं। अगर आपको किसी physical interaction से बीमारी हो रही है तो वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, जिसमें आपका ब्लड भी आता है। जैसे कि अगर आपने किसी इन्फेक्शियस इंसान में कोई इंजेक्शन यूज किया और सेम इंजेक्शन या सिरिंज निडल वो आप किसी हेल्दी इंसान के लिए यूज होगी तो ऑब्वियसली ही विल गेट इन्फेक्टेड विद द डिजीज। नाउ द इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या होता है? जैसे कि आपने कोई कंटेमिनेटेड सर्फेस किसी ऐसी जगह को टच किया जहां पर ऑलरेडी उस सामने वाले पर्सन ने टच किया हुआ था, और फूड, सॉइल और द एयर में बी समटाइम दीज कम्स अंडर द इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट इज अ वैक्टर। वैक्टर में हम देखते हैं जैसे कि हमें जो ह्यूमंस में डिजीज है जिसमें आपका डेंगी आता है ना, सो दीज आर द वैक्टर बॉर्न डिजीजेस जिसमें किसी के थ्रू वो चीज आपके अंदर जा रही है, जैसे कि मॉस्किटोज होते हैं। दीज आर द वेरी कॉमन फाउंडेड वैक्टर्स फॉर द वेरियस डिजीजेस। नाउ लेट्स सी द बैक्टीरिया फर्स्ट। सो दीज आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लाइक न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इवन तो बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं एंड दे वेरी इन द डिफरेंट फेज डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। नाउ दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया विच इंक्लूड्स डीएनए मटेरियल, फ्लैजेलम जो कि इसको मूव करने में हेल्प करता है, पाइलस जो कि दूसरी सर्फेस से अटैच होने में उसको मदद देता है, प्लाज्मिड क्या होता है? एक नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो उसको कवर करके रखता है, सेल वॉल ऑब्वियसली जहां आपने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि हर सेल का एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अगेन देयर। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। और ऐसी कौन सी बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से होती है? दैट इंक्लूड्स सेलमोनेला इन्फेक्शन एंड द सिट्रस कैंकर। ये प्लांट्स की है सिट्रस वाली, एंड सेलमोनेला ये आपको ह्यूमंस में इफेक्ट करती है जिसमें जो सिम्टम्स आते हैं मेनली वो आपके आते हैं पेन, पेट में दर्द होना, वोमिटिंग होना और डायरिया होना। इसके साथ सिट्रस जो है इसमें क्या है? ज़ैंथोमोनास, ये बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स में इस तरह से इफेक्ट कर देता है फ्रूट को या फिर कभी कभी जो उसकी लीव्स हैं उनको। वायरस को देख लेते हैं। वायरस का मेन फीचर क्या होता है? इसमें एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि इसमें जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है, एक प्रोटीन कोट है इसमें
जो कि इसको कवर करके रखा हुआ है. मेम्ब्रेन एनवेलप है इसका एंड प्रोटीन स्पाइक्स. प्रोटीन स्पाइक्स क्या करती हैं, ये अगेन होस्ट सेल से उसको अटैच होने में हेल्प करती है. सो व्हाट इज वायरस, इट्स अ पैथोजन दैट कैन ओनली रेप्लिकेट विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये तभी डिवाइड होगा या तभी रेप्लिकेट होगा जब ये अपने होस्ट के अंदर चला जाएगा, उससे पहले डिवाइड नहीं होता है. वायरस जीनोम्स जितने भी होती हैं वो बहुत ही वाइड रेंज में मिलते हैं आपको, जिसमें आरएनए डीएनए दोनों हो सकता है. ठीक है, आप देख लेते हैं ऐसी कौन किस तरीके से वायरस रेप्लिकेट करता है. सबसे पहले आपके होस्ट सेल में जाता है, फिर उसके बाद में क्या करता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में इन्वेड कर देता है, डाल देता है. अब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इट रिस्पॉन्ड टू द होस्ट डीएनए, ये जो होस्ट का जो डीएनए है उससे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है एंड स्टार्ट टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. व्हेन द होस्ट सेल इज फिल्ड विद द वायरस कॉपीज इट बस्ट. जैसे ही एक सेल में मल्टीपल वायरस कॉपीज बनना स्टार्ट होती हैं, वो आपकी सेल रप्चर हो जाती है, बस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है एंड अगेन वहां पे वो रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज हाउ अ वायरस स्टार्टेड टू रेप्लिकेट, और जितनी भी वायरल डिजीज है वो बहुत जल्दी से स्प्रेड करती है, ये सबसे बड़ा रीजन है. कॉमनली देखे तो ह्यूमंस को मीजल्स, ये एक वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होती है आपकी एयर ड्रॉपलेट से, कॉफिंग, स्नीजिंग. इसके मेन सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, डिस फीवर एंड द स्किन रैश. नेक्स्ट इज अ प्लांट्स में देखेंगे तो इसमें पोटैटो लीफ रोल वायरस. इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो टेक्सचर है उसका, लीव्स का, उसके मार्जिन्स, उनको खत्म करना स्टार्ट कर देता है. सो व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द वायरस, दैट्स द क्वेश्चन, राइट. सो लेट्स हैव अ लुक. बैक्टीरिया जो है वो क्या है, वो आपका डेफिनेट, उसकी डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर होती है, उसमें फ्लैजेला हो या पिलाई होती है उसकी, जो मूवमेंट में हेल्प करती है. ये फ्री लिविंग सेल्स हैं, दे कैन लिव इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड अ बॉडी, राइट. वायरस में क्या है, सेल नहीं है, वायरस को हम सेल नहीं बोल सकते हैं. बाकी इसमें क्या है, एक प्रोटीन कोट होता है जो कि सराउंड करता है इसके किसको, न्यूक्लिक एसिड को, जो कि इसका मेन जीनोम है. ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स अ होस्ट टू रेप्लिकेट. सबसे बड़ा मेन डिफरेंस जो रहेगा वो यही रहेगा कि इसको रेप्लिकेशन के लिए या डिवाइड होने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है. मीनवाइल बैक्टीरिया को एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड द बैक्टीरिया. फंजाई में देख लेते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, दे इंक्लूड ईस्ट मोल्ड एंड द मशरूम्स, राइट. ये क्या होता है, मल्टीपल बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं, इसमें मल्टीपल बाउंड्रीज रहती हैं एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक बट आर प्रोड्यूस्ड फ्रूट बॉडीज कंटेन द स्पोर्स. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड इसमें वो क्या होता है, स्पोर्स कंटेनिंग फ्रूट बॉडीज बनती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो मशरूम. मेन फीचर्स की अगर हम देखें तो फंजाई में जो मेन इसके फीचर्स होते हैं, दैट इज हाइफे, चाइटिन एंड द स्पोर्स. हाइफे जो होता है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि क्या करते हैं, एक इसके इसको वाइट स्ट्रक्चर की फॉर्म देते हैं. चाइटिन क्या करता है, इसको स्ट्रक्चरल तरीके से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसके सेल वॉल को एंड स्पोर्स इसको रिप्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं. ईस्ट क्या होता है, ईस्ट भी आपका फंगस की कैटेगरी में ही आता है, फंजाई की कैटेगरी में. ये सिंगल सेल फंगस होता है जिसमें आपकी हाइफी नहीं होती हैं. ठीक है, सो वाइल बडिंग इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स ये बडिंग से ही होता है एंड ईस्ट स्पेसीज कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द स्पोर्स. अब देखते हैं फंगस से कौन सी डिजीजेस होती है फंजाई से. तो एथलीट फूट बहुत ही कॉमन है जो आपको देखने को मिलता है, डर्मेटोफाइट्स फंजाई की वजह से होता है, जिसमें जनरली आपके जो पैर के जो फिंगर्स होती हैं उनके बीच में आपको फंगल इन्फेक्शन, मतलब कि बहुत सीवियर इचिंग होती है, एक्ने भी हो सकते हैं या फिर वाइट स्किन, पेल भी होना स्टार्ट हो जाती है. तो इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, और अगर क्रॉनिक कंडीशन में जाएंगे आप तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूड का रिटेंशन भी हो जाता है, मतलब पानी जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू होता है. प्लांट्स में अगर हम देखेंगे तो फंजाई की वजह से ट्यूलिप फायर डिजीज होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो. ये लीफ साइड से ऐसा लगता है जैसे कि बर्न हो चुकी है. सो ये कुछ इस तरह का अपीयरेंस आता है. प्रोटिस्टास क्या होते हैं, दीज आर डाइवर्स स्पीसीज दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज प्लांट्स, एनिमल्स और द फंजाई द बैक्टीरिया, राइट. इसे हम किसी भी तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते, ना ये प्लांट है, ना एनिमल, ना बैक्टीरिया, ना फंजाई. तो ये बेसिकली सिंगल सेल होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, बाकी ये हर जगह मिलते हैं, दैट इंक्लूड योर पैरासाइट एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म. तो आपके पैरासाइट भी प्रोटिस्टा में ही आते हैं. मेन फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है, अमीबा आ जाता है आपका, यूक्लेना आ जाता है जिसमें फ्लैजेलम है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, अंदर सीलिया.
तो ऑल प्रोटिस्ट हैव अ न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए. इसमें डीएनए मिलता है इसका एज अ जीनोम और जेनेटिक मटेरियल एंड दे आर एबल टू मूव यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ अपेंडेजेस. अपेंडेजेस में इसका क्या है, अगेन सिलिया हो सकता है, फ्लैजुलम हो सकता है एंड द स्यूडोपोड, दैट्स अ फॉस्फेट. इसकी हेल्प से ये मूव करता है. प्रोटिस्ट की वजह से जो डिजीज होते हैं दैट इज मलेरिया. मलेरिया आपका जो एक बीमारी है जो कि फीमेल मॉस्किटो की काटने की वजह से होती है. क्यों? क्योंकि उसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है एंड जैसे ये पैरासाइट बॉडी में जाता है ये ट्रेवल करता है और रिप्रोड्यूस करता है कहाँ जाकर, लिवर सेल में. तो जब मलेरिया होता है पेशेंट को तो क्या होता है, उसको डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं. कॉमन सिम्टम्स अगर मलेरिया के देखें तो इट इज फीवर, स्वेट, चिल, हेडेक, वोमिटिंग एंड द डायरिया. और कौन सी डिजीज है प्रोटिस्ट की वजह से, अगर हम आलू में देखें मतलब प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इस तरह के ब्लैक स्लाइम्स हो जाते हैं, मतलब ऊपर ब्लैक स्पॉट्स टाइप के हो जाते हैं जिससे हम बोलते हैं पोटैटो लेट ब्लाइट. नाउ लेट्स हैव अ क्विक टेस्ट, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच यू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. सो हाउ डज ईच कम्युनिकेबल डिजीज बिलो स्प्रेड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और थ्रू अ वेक्टर. इसको ये एक्सरसाइज करना एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ मच यू अंडरस्टैंड एंड हाउ लॉन्ग यू टुक टू आंसर दिस क्वेश्चन. बाकी आंसर्स देख लेते हैं. मलेरिया आपका वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, मीजल्स आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, सेलमोनेला के इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है एंड एथलीट फूड्स आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से है.